Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study about digestive system. Okay, in previous chapter we have studied about teeth, and this chapter will be about digestive system. Okay, these two are major parts of our body. So let's get started. Our body gets energy from food we eat. जो भी हम खाना खाते हैं उनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है. ओके, हाउ एवर आर बॉडी कैन नॉट यूज द फूड इन फॉर्म इट इज ईटिंग. लेकिन हमारा बॉडी जो है जिस तरीके से, जिस फॉर्म में हमारे हम अपने फूड को खाते हैं, उस फॉर्म में वो हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता है. ठीक है, ठीक है. तो उसको क्या किया जाता है, इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर फॉर्म. ठीक है, इनको क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में जो हमारा स्टमक है उसको ब्रेक करना जरूरी होता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू सिमिलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, सो जो खाने को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है सिंपलर फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डाइजेशन कहते हैं. ओके, एज सून एज वी बाइट अ फूड सच एज अ सैंडविच, इट स्टार्ट्स अ जर्नी थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, जैसे ही हम खाने को काटते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, उस खाने की जो जर्नी है वो उसी समय से शुरू हो जाती है डाइजेशन के लिए. ठीक है, आप खाओगे, खाने के बाद खाना आपके आपके आप खाओगे, चबाओगे, ठीक है, दांतों का यूज़ करोगे, फिर आप उसको स्वालो करोगे, फिर वो आपके गले से फूड पाइप से होते हैं, वो आपके स्टमक में जाएगा. ठीक है, तो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है चबाते ही आपके खाने. ठीक है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स अबाउट 3 to 4 hours. जो इंटायर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो 3 से 4 घंटे लेता है. ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर. अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं. सबसे पहले माउथ होता है. ठीक है, माउथ फॉर च्यूइंग एंड स्वॉलिंग, खाने के लिए और घोटने के लिए, चबाने के लिए और खाने को स्वॉलो करने के लिए, निगलने के लिए आपको क्या यूज करते हैं, आप माउथ का यूज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया माउथ. ओके, उसके बाद क्या होता है, फूड पाइप फॉर पुशिंग डाउन द फूड. उसके बाद क्या आता है, फूड पाइप आता है क्यों, ताकि जो आप चबा रहे हो, जो आप घोट रहे हो, उस खाने को पेट तक ले जाने का काम क्या कर कौन करता है, फूड पाइप करता है. ओके, देन क्या आता है, स्टमक आता है टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. स्टमक क्या करता है, वो खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है. ओके, नेक्स्ट इज लीवर एंड पैनक्रियाज अलोंग विथ स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारे होगा लीवर और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में, जो कि फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करते हैं. ठीक है, मीन्स खाने को जो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा गया है उसमें से जो उनके जूसेस को यूज करना. ओके, डाइजेशन के लिए. फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन फॉर सेकेंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में. ओके, जो कि डाइजेशन का सेकेंड प्रोसेस है. और देन आता है एनस फॉर थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. फिर आता है आपका एनस, ठीक है, आपके बॉडी का प्राइवेट पार्ट, जो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर फेंक देने के लिए. ओके, निकाल देने के लिए. इन सभी ऑर्गन्स के, इन सभी वर्किंग मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे अब वन बाई वन. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, अब ये ऑसफेगस है, ऑसफेगस है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. ओके, अगर आप जब भी आप किसी बड़े क्लास में जाओगे तब आपको ये वर्ड मिलेगा. ओके, आपका माउथ हो गया नंबर वन, फिर आपका होते हुए क्या आ जाएगा, फूड पाइप हो गया नंबर टू, नंबर थ्री हो गया आपका स्टमक. ओके, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग विद पैनक्रियाज हो गया आपका नंबर फोर, नंबर फाइव हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आपके प्राइवेट पार्ट्स हो गया नंबर सिक्स. ओके, फॉर थ्रोइंग आउट द वेस्ट. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस द डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम. मस्ट प्रैक्टिस दिस, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है. ओके, सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड जस्ट प्रैक्टिस द डायग्राम. ओके, नाउ वी विल सी द स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, जो स्टेज मैंने अभी बताया, जो ऑर्गन्स का यूज करके जो स्टेजेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, अब हम इनको देखते हैं. ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट्स इन स्टेज टू डाइजेस्ट आवर फूड. ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वन बाई वन काम करता है, एक स्टेज बाई स्टेज, लेवल बाई लेवल, क्यों, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए.
ईच स्टेज इज इम्पॉर्टेंट एंड प्रिपेयर द फूड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। हर एक स्टेज जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है और उसको अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, एक भी स्टेज अगर मिस हो जाएगा, एक भी स्टेज में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आगे के स्टेजेस में भी प्रॉब्लम आने लगती है। द मेजर स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर, मेजर स्टेजेस कौन कौन होते हैं, च्यूइंग चबाना, स्वैलो यानी कि खाने को निगलना, स्टमक ओके ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, फॉर ब्रेक डाउन द फूड, टू ब्रेक डाउन द फूड ओके, ब्रेक डाउन द फूड ओके इन सिंपलर फॉर्म ओके, ये क्या करता है स्टमक सिंपलर फॉर्म में खाने को ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट प्रोसेस। लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या करता है, सेकेंड प्रोसेस। इस दौरान क्या होता है, इन दोनों प्रोसेस के दौरान जो हमें बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, फूड से मिले हुए न्यूट्रिशंस हमें हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। एंड लास्ट हो गया एनस, टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड ओके, अनडाइजेस्टेड फूड, अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन। फर्स्ट इज च्यूइंग ओके, हियर आई हैव क्रिएटेड द डायग्राम ऑफ दिस। च्यूइंग, च्यूइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डाइजेशन। च्यूइंग क्या है, डाइजेशन का फर्स्ट स्टेज है। व्हेन वी च्यू आर फूड यूजिंग आर टीथ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज। जब भी हम किसी खाने को चबाते हैं, अपने दांतों का यूज करते हैं ऑब्वियसली, तो क्या होता है, खाना स्मॉल पीसेज में टूट जाता है। स्मॉलर पीसेज आर ईजियर टू डाइजेस्ट एंड स्वालो ओके, तो जो छोटे पार्ट्स जो होते हैं खाने के, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको निगलना भी आसान होता है और उनको डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब छोटे पार्ट्स रहेंगे तो स्टमक को भी इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आपको घोटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्लाइवा प्रेजेंट इन द माउथ मेक्स द फूड सॉफ्ट। ठीक है, अब आप खाने को चबाते हो तो आपके माउथ में एक स्लाइवा होता है जिसके कारण खाना जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड टर्न्स इट स्वीट, और इसको स्वीट कर देता है। ठीक है, स्वीट कैसे हो जाता है खाना, दिस हैपेंस बिकॉज स्लाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इन द फूड टू शुगर। ठीक है, अब खाने में जो भी स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है स्लाइवा। ठीक है, इसलिए आपका खाना जो होता है सॉफ्ट भी हो जाता है और आपको मीठा भी लगता है। ठीक है, भले ही आप नमकीन चीज़ भी खा रहे होगे, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट आप में उस खाने में स्टार्च होता है जो कि उस खाने को मीठा कर देता है। ठीक है, सो यहाँ से आपका खाने का प्रोसेस शुरू हो गया। नेक्स्ट इज स्वॉलोइंग, आफ्टर द फूड इज च्यूड इट इज स्वॉलोड इन द स्टमक। ठीक है, खाने के बाद क्या होता है, खाना जो होता है स्वॉलो हो जाता है स्टमक में। आर टंग हेल्प्स टू पुश फूड इन टू बैक ऑफ आर थ्रोट। हम खाना खाते हैं तो फिर जीभ हमारा क्या करता है, उस खाने को हमारे कंठ तक ले जाने में हेल्प करता है, थ्रोट तक। ठीक है, यहाँ तक आपका खाना आ जाता है। देन देयर आर स्पेशल थ्रोट मसल्स डैट फोर्स द फूड डाउन इन टू अ लॉन्ग ट्यूब डैट लीड्स टू द स्टमक। अब यहाँ पर जो मसल्स होते हैं ये खाने को फोर्स करते हैं इस पाइप तक ले जाने में जो कि जाता है कहाँ, हमारे स्टमक तक ओके। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एसोफेगस ओके, इसको क्या कहते हैं, एसोफेगस या ओसोफेगस ओके, दोनों स्पेलिंग्स होती हैं इनकी। मसल्स ऑफ द फूड पाइप पुश डाउन इनटू द स्टमक। अब ये जो मसल्स होते हैं फूड पाइप के, ये क्या कहते हैं, खाने को नीचे स्टमक तक ले जाते हैं। सो ये हो गया आपका सेकेंड प्रोसेस ओके। थर्ड वन इज स्टमक ओके, द स्वैलोड फूड इज कलेक्टेड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। अब जो खाना जो यहाँ से होते हुए जो अंदर गया है, एक बैग लाइक के स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, हियर द फूड इज चर्न्ड एंड ग्राउंड टू फॉर्म अ पेस्ट एंड मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खाने को चर्न और ग्राउंड किया जाता है, मीन्स मिक्स किया जाता है अच्छे से ताकि वो पेस्ट फॉर्म में हो जाए। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना है तो पेस्ट बनाएंगे तभी तो सिंपलर सब्सटेंसेस में वो टूट जाएगा और फिर वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है जो कि स्टमक का वॉल क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपके एक पेस्ट में पानी डालने का काम करता है डाइजेस्टिव जूसेस ओके, जो कि स्टमक का वॉल क्रिएट करता है ओके। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन ओके,
द फूड डैट एंटर्स फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज पार्टली डाइजेस्टेड। अब स्टमक ने क्या किया, स्टमक ने तो कुछ पार्ट्स जो है डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस को लेकर के। अब फूड क्या होता है, वो इंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, हियर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन स्मॉल इंटेस्टाइन इज पार्टली डाइजेस्टेड। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाता है वो पूरा डाइजेस्ट फूड नहीं होता है, वो पार्टली डाइजेस्ट होता है। मोर डाइजेस्टिव जूसेज आर एडेड टू द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो बचे हुए जो फूड डाइजेस्ट हो गए उस दौरान स्टमक के दौरान, वो तो हो गए, लेकिन जो बच गए वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ भी डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड किया जाता है ताकि ये जो बचा हुआ खाना है वो भी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क्स विथ जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास। जो प्रोसेस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस आपका ये होता है कि पैनक्रियास और लीवर से क्या करते हैं, जूसेस लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ताकि जो खाना ब्रेक डाउन होकर के डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उनका ब्रेक डाउन हो जाए। क्लियर, उसके बाद क्या होता है सेकेंड पार्ट में, वेयर इज ब्लड अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो बचा हुआ खाना है वो तो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया, तो अब इस डाइजेशन से क्या होता है, ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड डिलीवर्स इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ओके, ब्लड क्या करता है, ब्लड हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्लास फोर में, कि ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सो ये वही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो भी डाइजेस्ट, वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो डाइजेस्ट वहां पर हो जाते हैं, और डाइजेशन से जो हमें फूड का जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो ब्लड ले जाता है। ओके, ब्लड कैरी करता है। क्लियर है, अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। द लार्ज स्टेज हैपेंस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब दो प्रोसेस तो हो गए, एक डाइजेशन का प्रोसेस हो गया आपका स्टमक में, उसके बाद जो बच गया फिर आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अब उसके बाद भी जो बचता है वो आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, मतलब खाने को हमारे जो हमारा बॉडी है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि हमारे बॉडी में जो भी फूड गया है उसको पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज नाउ पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस स्टमक के बाद जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो बचता है, जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, हियर मोस्ट ऑफ द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बैक फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो होता है, जो मोस्ट पार्ट खाने का जो बचा होता है, जो जूस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो पानी मौजूद होता है उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद भी जो बच जाता है, जैसे एक तरीके से हमारा बॉडी ना जूसर का काम कर रही है। ठीक है, आपने अगर जूसर देखा होगा तो उसमें क्या करता है, आप क्या करते हो, कोई फ्रूट डालते हो, वो पहले पिसा जाता है, ग्राइंड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर भी प्रोसेस ये होता है कि उसको निचोड़ करके जूस निकलता है। ठीक है, तब जूस निकलता है तो जो उसका छूछ होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो पार्ट्स बच जाते हैं, ठीक है, जो सूखे हुए पार्ट्स होते हैं, वो हो गया आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन ऑफ द बॉडी थ्रू एंड ओपनिंग कॉल्ड एनस। एनस के थ्रू क्या करता है, ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उनको थ्रो कर दिया जाता है। जिस तरीके से जूसर के लिए हम कोई फ्रूट डालते हैं, ठीक है, आपका फ्रूट जो होता है पूरा चर्न होता है, ओके, चर्न करता है, ग्राइंड करता है उसको पूरी तरीके से, फिर वो एक तरीके से सॉयलो करने का काम करता है। ठीक है, सॉयलो करने का काम हुआ, उसमें से जो भी जूसेस मिले उनको हम पी जाते हैं, जो बच जाता है, जो सूखा हुआ पार्ट उसको हम फेंक देते हैं, तो ये काम एनस का होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, वो पार्ट जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड ही आपका बाहर आता है। ओके, सो दिस वॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस। दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो यू मस्ट हैव द प्रैक्टिस ऑफ, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑफ द डायग्राम ऑफ टीथ एंड द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके,
Thank you for watching. See you in the next video.